दोस्तों, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या CS, इन तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में कैसे मिलियनेयर बन सकते हो उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको सही पॉइंट बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक CS स्टूडेंट हूँ और मैं एक बिजनेस फर्म चलाता हूँ और मेरे बिजनेस को स्टार्ट हुए 2 ही साल हुए हैं, पर मैं अपने प्रिंसिपल जिनके अंडर मैं CA की आर्टिकलशिप कर रहा हूँ उनसे मंथली ज्यादा अर्न करता हूँ और इसी रफ्तार से मेरा बिजनेस ग्रो करता रहा तो आने वाले 1 से 1.5 साल में मैं ये मिलियनेयर वाले टैग भी ले चुका हूँगा। दोस्तों, ये मैं अपना सीना चौड़ा करके या एरोगेंट होकर नहीं बोल रहा, ट्रस्ट मी, मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता था, बट सामने वाला पर्सन विश्वास नहीं करेगा इसीलिए बताना पड़ा, तभी मैं आपको वो सारे टिप्स शेयर कर सकता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। और ये सारी बातें वर्क करती हैं क्योंकि 19 साल की बिजनेस जर्नी को 2 साल में ओवरटेक करना इस बात की प्रूफ है। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया सारे पॉइंट सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर्स माइंड्स बुक से ली गई है, जिन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ, और अंत में मैं आपको अपना आइडिया भी शेयर करूंगा जिसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक वेट करना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है सुमीर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन, और अब तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां अगर आप मुझे कोई भी क्वेरी पूछते हैं उसका जवाब मैं जरूर देता हूं। दोस्तों, अगर आप CA, CMA और CS इन तीनों में से कोई भी कोर्स करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती है अर्निंग करने का, फर्स्ट जॉब, दूसरा फर्म और तीसरा आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते। पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप जॉब करते हो इन प्रोफेशनल डिग्री को कंप्लीट करने के बाद तो आप कभी मिलियनेयर बन ही नहीं सकते। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 1 मिलियन यानी 10 लाख और $1 अभी 73 रुपए का चल रहा है, उस हिसाब से मिलियनेयर बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ लगेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप CA बन चुके हैं और मान लेते हैं आपको 1 लाख की सैलरी मिलती है, हालांकि ये सबको मिलती भी नहीं है 1 लाख की सैलरी, फिर भी मान लेते हैं। 22 साल की एज में आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो भी 60 साल की एज तक आप 4.5 करोड़ ही कमा पाएंगे। ये तो हमने टोटल बताया है, खाने पीने के लिए अलग से पैसा लगेंगे, एक फ्लैट या घर भी तो लेना होगा, बच्चों की शादी भी करवानी होगी, तो देखा जाए ये 4 करोड़ भी बचते नहीं है। खैर, हम हमारे मुद्दे पर लौटते हैं और वो सारे टिप्स शेयर करते हैं जो मैंने सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर्स माइंड बुक से लिए है। फर्स्ट, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। दोस्तों, मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं उनमें मैं एक चीज कॉमन देखता हूँ, उनका थिंकिंग लेवल। वो मुझसे कहते हैं, यार मुझे तो ये कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, बिग फोर में जॉब लग गया तो लाइफ सेट, एक कार ले लूंगा और CA या CMA तो हूँ ही, शादी तो ऐसा ही हो जाएगी। इसमें आप एक चीज नोटिस करो, मेरे फ्रेंड ने इतना सोचकर अपने सक्सेस की लिमिट को कम कर दिया है, वो अपने ग्रोथ करने के आसमान को छोटा कर दिया है, वो बिग फोर फर्म में जॉब मिलने को भी सक्सेस मानता है। एंड आई एम श्योर वो इन सोच के साथ कभी मिलियनेयर बन ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कभी अपने फर्म को बिग फोर जैसा बनाने का सपना ही नहीं देखा, उन्होंने कभी फरारी, प्राइवेट जेट की सपना ही नहीं देखा। यानी लाइफ आपको उतना ही देगी जितना आप मांगने की हिम्मत रखते हो। अगर आप सोचते हो आप एक ठीक ठाक कार ले लूं और एक ठीक ठाक घर हो जाए तो लाइफ में आपको सारा कुछ ठीक ठाक ही मिलेगी या कभी कभी उससे भी कम। इसीलिए मिलियनेयर बनने की फर्स्ट टिप, बड़ा सोचो और उसे इम्प्लीमेंट करो, वजह अपने दिमाग में लिमिट सेट करने की। नेक्स्ट है, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको खासा नॉलेज नहीं होता, पर उनसे अगर आप बातें करो तो एकदम से कॉन्फिडेंटली बोलेंगे जैसे उनने उस फील्ड में PhD कर रखा हो और उसी फील्ड में काम कर रहे हो। मेरे साथ हाल ही में हुआ था, मैं अपने एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था MTNL और बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। मेरे दोस्त कहने लगता है, हाँ ये गवर्नमेंट बिकाओ है, कोई जॉब वैकेंसी तो निकालती ही नहीं, उल्टा सारा कुछ बेच रही है। ये मुझे भी पता है उसने कभी MTNL की सर्विस यूज ही नहीं किया है, अगर करता तो वो ऐसा बात कभी नहीं बोलता, फिर भी वो ऐसा बोल गया जैसे उसे सब मालूम है। ये पुअर मेंटालिटी की निशानी है और इस तरह के लोगों को गलती से भी अगर आप समझाने लगो तो उनका ये स्टेटमेंट होगा, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे, वो दिन में 8 घंटे बुक पढ़ते हैं। बिल गेट्स नियरली 50 बुक हर साल पढ़ डालते हैं। उसके अलावा एलोन मस्क, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े CEO जिन्हें और नॉलेज ना भी हो तो भी उनका बिजनेस चलता रहेगा, फिर भी वो नॉलेज लेने में कभी कंजूसी नहीं करते। इनकी थिंकिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, अरे हम तो दुनिया के सबसे समझदार सक्सेसफुल इंसान है, हमें किसी से क्या सीखना है, बल्कि आज भी ये लोग उतना ही ओपन माइंडेड है नॉलेज को लेने के लिए या सीखने।
करने के लिए। अगला पॉइंट है, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों, आपको अपने आसपास में ऐसे कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे जो खुद तो हजार गलत काम करते हैं, पर अमीर और सक्सेसफुल लोगों को देखकर आपस में बात करेंगे। अड़िए अमीर लोग बहुत लालची होते हैं, जरूर कोई ना कोई दो नंबर की काम करते होंगे, तभी तो इतना अमीर बन पाए हैं। और मैं तो कहूंगा, दो नंबर ही काम करके आप कभी जीवन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को एक बार ठगा सकते हैं, बार बार नहीं। पर दोस्तों, रिच माइंडसेट के लोग ऐसा नहीं होते। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो वो उन्हें और हेल्प करते हैं और अपने जैसे सक्सेसफुल लोगों से चलने के बजाय सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सीए या सीएमए या सीएस की स्टूडेंट हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है रिस्क लेने की, कुछ बड़ा करने की, अपना कुछ स्टार्ट करने की। क्योंकि अगर आप फेल भी होते हैं तो आपके नाम के पहले ये जो प्रीफिक्स है, सिर्फ इस सीए या सीएमए नाम की वजह से ही आपको लाइफ के किसी भी मोड़ पर जॉब मिल सकती है। भले ही कम मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, जो दूसरे प्रोफेशन के लोगों के पास नहीं होता। और मैं अपना ओपिनियन दूं तो मिलियनर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है, कुछ लोगों को टाइम ज्यादा लगता है और कुछ लोगों को कम। और अंत में मैं अपना दो टिप्स शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट टिप, आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग सोर्स को बनाने में काम करना चाहिए, 8, 10, 15 जितने हो सके उतना। इस विषय में ज्यादा डिटेल के लिए आई बटन से कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाली वीडियो जरूर देखें। मैं अपनी बात करूं, मैं अभी 4 अर्निंग सोर्स बना चुका हूं ऑलरेडी, 5वीं मान सकता हूं, बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी। इन दोनों को मैं एक ही मानता हूं। टिप्स नंबर 2, फिजूल की खर्च को कम करो या करो ही मत। दोस्तों, कई स्टूडेंट है जिनको महंगी महंगी गैजेट की जरूरत होती भी नहीं, फिर भी खरीद लेते हैं, 70-80 हजार के मोबाइल खरीद लेते हैं, ये फिजूल की खर्चे है। पर मैंने अपना बिजनेस 2019 में 16 हजार से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे फैमिली का इतना हालत ठीक नहीं है जो उनसे मैं पैसा मांगू, इसलिए मेरे पास जो था उसी से मैंने स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा आईफोन मत लो, फरारी मत लो, जरूर लेना चाहिए, पर मैं मानता हूँ वो सारी चीजें आपकी इनकम की 1% में आनी चाहिए। यानी आपकी इनकम उतनी हो जिसमें से 1% अगर आप खर्च करते हैं तो ये सारी चीजें आपके मुट्ठी पे आ जाए, उतना काबिल बनो, उसके बाद ही इन चीजों की शौक रखो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो कौन से टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।